नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप सभी को मैं इस वीडियो में बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस करने की गलती ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों सूर्यदेव का प्रभाव बड़ी ही तेजी से आपकी राशि पर अब पड़ने वाला है। और दोस्तों अगले तीन दिनों में ये जो राशि के बड़े परिवर्तन है, ये जो ग्रह गोचर हो रहा है, वह दोस्तों बड़ा ही खास और बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों अब बड़े ही प्रभाव आपके जातकों पर पड़ रहे हैं, इसलिए आप अपने कार्य में किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ रह सकते हैं और किस प्रकार से आप अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में बड़े बदलाव कर सकते हैं, सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इसके अलावा कुछ संभावनाएं हैं कि मूल निवासी मूल विज्ञान के छात्रों को कुछ क्षेत्रों में नया करियर बनाने का अवसर मिल सकता है। दोस्तों सूर्य मंगल की संक्षिप्त ऊर्जाएं इंसान को बड़ा ही शक्तिशाली व ऊर्जावान बना देती हैं। और दोस्तों ऐसा ही प्रभाव कुछ आपकी राशि पर भी पड़ रहा है। दोस्तों आपको विश्वासी और कठोर स्वभाव का भी बना सकती है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वे कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी के जयकारे जरूर लगाएं। इसके साथ ही दोस्तों जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों अब बताते हैं कि आपको अपने जीवन काल में चार बड़ी विशेष बातों को ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये चार बातें हैं जो कि दोस्तों आपको अपने जीवन काल में आगे नहीं बढ़ने देती हैं, लेकिन पीछे जरूर ले जाएंगी। और दोस्तों आपके जीवन काल में लग रही परेशानियां भी काट खाएंगी। आज की इस वीडियो में हम जो बात बता रहे हैं, इन्हें बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों आपके जीवन में नए परिवर्तन आप सभी को और आपके परिवार को पूरी तरह से साझा करके रख देंगी। दोस्तों इस समय धन लक्ष्मी योग गज केसरी नामक योग बन रहे हैं, जिनके कारण दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि आने वाले समय में धन कमाने के अनेक स्रोत मिलेंगे। और दोस्तों इस समय आपको बहुत ही ज्यादा सफलता की प्राप्ति होगी, बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि आपके जीवन काल से सभी परेशानियां समाप्त होंगी। और आपको ये भी बताऊं कि इस समय मंगल बुध गुरु की जो स्थिति है, वह आपकी कुंडली के लिए वातावरण चेंज करके रख देगा, यानी कि बदल के रख देगा और आपके जीवन को बदलने वाला साबित होगा। एक प्रकार से जो शनिदेव हैं वो कर्म के देवता हैं, आपके कर्म को देख कर ही वो बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। और आपको बता दूँ कि अब आपके जीवन काल की सभी प्रकार के जो भी कष्ट हैं, जो भी पिछले समय में आपके जीवन काल में परेशानी चल रही थी, वो सभी परेशानियां शनिदेव समाप्त कर देंगे। साथ ही दोस्तों जो आपके लाभ मौके मिलने वाले हैं, वो भी दोस्तों आपका मौका बदल जाएगा। साथ ही आपको बता दें, धन से जुड़ी हुई जो भी आर्थिक तंगियां चल रही थी, इस समय दोस्तों आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों धन लक्ष्मी योग के कारण वातावरण में कुछ ऐसा बदलाव होगा जो आपके राशि परिवर्तन में बड़ा ही सुखद सामंजस्य बना कर रखेगा, यानी कि बड़ा ही खास बैलेंस बना के रखेगा। दोस्तों परिजनों से खूबसूरत तोहफा मिल सकता है। इस समय आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। इस समय अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, अपने विचारों को सबके सामने प्रकट ना करें। बाकी सदस्यों के सहयोगात्मक रवैये से दोस्तों कुछ खामियाँ रह सकती हैं। किसी सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण डॉक्टर के पास जाना भी पड़ सकता है। आज आप लंबे समय से चले आ रही किसी भी मामले को सुलझाने में सफल होंगे, ये बहुत ही कुशलता और शांति से काम होगा। बच्चे आपकी बात सुनेंगे, युवा वर्ग इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ध्यान रखें कि आप अपनी वाणी से परेशानी में पड़ सकते हैं। रिस्क ना लें, किसी संबंधी की वजह से मन कुछ प्रफुल्लित रह सकता है। कार्यों में गति आएगी, परिवार के साथ में व्यस्त और आभूषण की खरीदारी में आनंद पूर्वक समय व्यतीत होगा। खतरनाक गतिविधियों से बचने की आवश्यकता है। दोस्तों किसी संबंधी के साथ में वाद विवाद होने की आशंका है, लेकिन क्रोध पर थोड़ा काबू रखने की आवश्यकता है। गुस्सा बच्चों के लिए परेशानी का केंद्र बन सकता है, खर्चा भी कुछ हद तक बढ़ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ के बारे में।
परिवारजनों का सहयोग बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, पारिवारिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। परिवार के साथ में समय बिताकर और साथ भोजन करके आप एक दूसरे को अधिक जान पाएंगे। अपने साथी से सब कुछ शेयर करें, साथ ही अपनी कला से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करें। सहयोगियों और पड़ोसियों से अपने संबंधों को सुधारें ताकि मुसीबत में एक दूसरे की मदद कर सकें। वक्त है घर अन्य कार्य को पूरा कर कुछ कामुक और आवेशपूर्ण खेल खेलने का। बच्चे, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बातचीत आपकी काश में है। आप न केवल अपना बल्कि के दूसरों का भी मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दूं, घर में नज़दीकी संबंधियों का आगमन हो सकता है। वरिष्ठ व्यक्ति के मार्गदर्शन तथा परामर्श द्वारा आपके सारे काम सुचारू रूप से संपन्न होंगे। यदि संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो किसी की मध्यस्थता से थोड़ा समय बीत सकता है। बातचीत करते समय उचित शब्दों का चयन जरूर करें। आपको कोई नज़दीकी संबंधी ही आपकी समस्या का निवारण निकाल सकता है। और दोस्तों, परिवार में चल आ रही कुछ मुसीबतें भी जल्द से जल्द समाप्त हो सकती हैं। दोस्तों, आपको पारिवारिक सदस्यों के बीच में गलत फहमियाँ तथा वैचारिक मतभेद होने के कारण कार्य प्रणाली में गतिरोध आ सकती है, जिसकी वजह से तनाव भी रह सकता है। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें तथा समय के अनुसार स्वयं को भी ढालने का प्रयास करें। आय से अधिक खर्चे रह सकते हैं। दूर दराज के संपर्क सूत्रों द्वारा अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावनाएं हैं। अपनी गतिविधियों को शेयर करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। खास तौर पर पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में पारदर्शिता रखना जरूरी है। जीवन शैली की मदद से घर की व्यवस्था अच्छी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे के प्रति प्रीति और स्नेह की भावना रहेगी। मौसमी परेशानी जैसी खांसी जुकाम जैसे चीज़ों से बचाव रखें। आयुर्वेदिक तथा अधिक से अधिक उपयोग करें। इस समय प्रैक्टिकल तरीके से अपने कार्य को अंजाम दें, क्योंकि भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधी मसला हल होने की संभावनाएं लग रही हैं। जिस कार्य के प्रति आप कड़ी मेहनत कर रहे थे, उनके शुभ फल की प्राप्ति उम्मीद से अधिक हो सकती है। प्रभावशाली लोगों का सहयोग भी बना रहेगा। कोई पेमेंट रुकी हुई है तो दोस्तों, इन दिनों में आपको मिलने की उम्मीद है। बच्चों का आत्मविश्वास मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का शुभ राशि फल। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।